हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 5 मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में डिजिटल ट्रांसमिशन मेथड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डिजिटल ट्रांसमिशन मेथड्स। The transmission mode of digital information is an important factor because it decides the speed of communication system. तो हम जब भी डिजिटल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसकी जो स्पीड है वो कितना फास्ट ट्रांसमिशन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली देयर आर टू मेथड्स, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन एंड पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। तो डिजिटल ट्रांसमिशन की ये दो मेथड्स है, सीरियल एंड पैरेलल। इन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग अ सिंगल केबल ट्रांसमिट्स द इनपुट डेटा बिट्स वन आफ्टर द अदर सीरियली। तो नाम से ही हमें पता चलता है कि सीरियल में सीरियली डेटा यानी कि वन बाय वन डेटा ट्रांसमिट हो रहा है यूजिंग ओनली वन केबल। While in parallel transmission, the whole 7-bit data is directly transmitted, but with multiple wire cable. Parallel में एक साथ ही यानी कि multiple cables use करके हम data को transmit करते हैं। ये figures देखो, ये जो first figure है उसमें A से B में data transfer हो रहा है, but वहाँ पे multiple wires लगाए हैं जो एक दूसरे को parallel में connected है। और इसे बोलते हैं पैरेलल मेथड, क्योंकि एक साथ बहुत सारे वायर्स से हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। सीरियल मेथड, सेकंड फिगर में देखो, ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही वायर कनेक्टेड है, यानी कि वन बाय वन डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। अब ए से बी में जाएगा, फिर ए से और आगे दूसरे पॉइंट में जाएगा, इस तरह से। इसीलिए यह है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन इज मच फास्टर देन सीरियल ट्रांसमिशन, बट It cannot be used for long distance communication because it needs separate wire for each bit and it is physically not possible. Parallel data transmission में हम कम time में ज़्यादा data को transfer कर सकते हैं, but यहाँ पे हर एक point को दूसरे point को connect करना होता है, इसीलिए हम इसको long distance के लिए use नहीं कर सकते, क्योंकि एक main basic point होता है, वहाँ से हमें different points को connect करना है। बट सीरियल में कैसे है, वन बाय वन होता है, यानी कि फर्स्ट को सेकंड को कनेक्ट किया, सेकंड ने थर्ड को, थर्ड ने फोर्थ को, इस तरह से। इसीलिए पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन फिजिकली बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। पैरेलल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल विद इन कंप्यूटर सर्किट्स और कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क बाय यूजिंग मल्टीपल वायर केबल्स। In long distance communication, only serial data communication system is employed. There are special logic circuits available to convert parallel to serial conversion and vice versa. तो यहाँ पे special logic circuits होते हैं जो हम use कर रहे हैं parallel to serial conversion के लिए या फिर serial to parallel conversion के लिए। Using shift registers carried out conversion of data from one to other form. तो यहाँ पे एक डेटा फॉर्म को दूसरे डेटा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम शिफ्ट रजिस्टर्स यूज करते हैं। इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन डिजिटल इंफॉर्मेशन इज सेंट एंड रिसीव्ड बिट बाय बिट इन सीरियल वे बाय यूजिंग आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू टेक्निक्स। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में डिजिटल इंफॉर्मेशन को बिट बाय बिट सेंट किया जाता है और रिसीव किया जाता है, और उसके लिए टेक्निक्स है दो, असिंक्रोनस ट्रांसमिशन एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो ये दो टेक्निक हम यूज करते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अब हम इस दोनों टेक्निक का कंपैरिजन देखेंगे कि किस में क्या होता है, असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। असिंक्रोनस में इंफॉर्मेशन इज सेंट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी कि एक एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन वन बाय वन सेंड होती है। सिंक्रोनस में इंफॉर्मेशन इज सेंट ब्लॉक बाय ब्लॉक, ईच ब्लॉक कंटेंट्स मेनी वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ सेंड हो रही है। सिंक्रोनस में ब्लॉक सेंड होता है, असिंक्रोनस में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेंड होता है। ईच कैरेक्टर इज अकंपेंड विद वन स्टार्ट बीट वन स्टॉप बीट फॉर अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट एंड एंड। तो स्टार्ट और एंड यहाँ पे एक एक बीट का रहता है जो हमें समझ में आता है कि अब
ये स्टार्ट हो गया है ट्रांसमिशन, एंड हो गया है ट्रांसमिशन, इस तरह से। सिंक्रोनस पल्सेस आर सेंट आफ्टर ईच ब्लॉक फॉर सिंक्रोनाइजेशन। नो सिंक्रोनाइजेशन इज प्रेजेंट इन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो असिंक्रोनस नाम से ही पता चलता है कि असिंक्रोनस है, यानी कि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, बट सिंक्रोनस में सिंक्रोनाइजेशन होता है। अ कॉमन ब्लॉक इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज टू स्टेशन। तो यहाँ पे हम एक ब्लॉक यूज करते हैं दो स्टेशन को सिंक्रोनाइज रखने के लिए। क्लॉक इज नॉट इसेंशियल एंड क्लॉक इज इसेंशियल। असिंक्रोनस में क्लॉक नहीं लगती, सिंक्रोनस में लगती है। सिंस ईच कैरेक्टर स्टार्ट एंड स्टॉप बीट द प्रोसेस बिकम स्लो, मैक्स 1200 टू 2400 बोर्ड। तो यहाँ पे एक स्टार्ट बीट और स्टॉप बीट होता है, कैरेक्टर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सेंड भी होता है, तो इसीलिए इसकी प्रोसेस जो है वो स्लो है। तो उसकी स्पीड है 1200 टू 2400 बॉड रेट। द प्रोसेस इज मच फास्टर देन असिंक्रोनस। सिंक्रोनस में ब्लॉक बाय ब्लॉक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, यानी कि असिंक्रोनस से तो ज्यादा ही इंफॉर्मेशन एक टाइम में ट्रांसफर होती है, इसीलिए इसका स्पीड भी बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू असिंक्रोनस। यूज्ड फॉर लो वॉल्यूम लो स्पीड एप्लीकेशंस। अब स्पीड कम है इसीलिए लो वॉल्यूम लो स्पीड एप्लीकेशंस पे यूज होता है, और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूज्ड फॉर हाई स्पीड लार्ज वॉल्यूम कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस का एग्जांपल है इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क, और असिंक्रोनस के एग्जांपल है टेलीफोन लाइन। डिसएडवांटेज ऑफ असिंक्रोनस इज लो स्पीड ट्रांसमिशन एंड लाइन रिमेन्स बिजी फॉर लॉन्ग टाइम। डिसएडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस इज लार्ज स्टोरेज एंड क्लॉक इज इसेंशियल एट बोथ द एंड्स। तो इस तरह से असिंक्रोनस ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन वर्क करता है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।